हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कायरलिटी क्या होती है, कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कायरल सेंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कायरल सेंटर और कायरलिटी को आप मिक्स नहीं करोगे। ठीक है, बहुत आर डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, इन दोनों का कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, कायरल सेंटर अलग होता है, कायरलिटी या फिर कायरल मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हम ये पता कर सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स कौन सा है, और इनका क्या रोल होता है ऑप्टिकल इनएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं इन थ्योरेटिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करने के लिए अगर आपको कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड से आपको प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस प्लेन पोलराइज लाइट को वो कंपाउंड रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, जो रोटेशन होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, और ये भी हमने देखा था कि जो रोटेशन होता है वो किस कारण से होता है, उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, या फिर उस सॉल्यूशन की क्या इंटरनल मैकेनिज्म होती है, जिसके कारण वो जो लाइट होती है, जब वो लाइट उस सॉल्यूशन में एंटर करती है तो वो रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज लास्ट लेक्चर जाकर के देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर को। ओके, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कायरल सेंटर क्या होते हैं। तो हेडिंग डालें कायरल सेंटर, तो हमने पढ़ लिया था कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो कायरल मॉलिक्यूल को पढ़ने से पहले हम वापस से थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं, कायरल सेंटर। ठीक है, ताकि आप दोनों को मिक्स ना करो, एंड कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी होंगे जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मैं वापस से उनको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि कायरल सेंटर्स क्या होते हैं। देखो कायरल सेंटर की एक सिंपल सी डिफिनेशन होती है कि एक ऐसा सेंटर जिसके पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, और उसकी जो चारों वैलेंसीज होती है, चारों वैलेंसीज क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ऑल फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट, देन द सेंटर इज नोन एज कायरल सेंटर। तो ये सेंटर क्या कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा कायरल सेंटर। ठीक है, और अगर कोई भी कायरल सेंटर कार्बन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, इफ अ कायरल सेंटर इज कार्बन देन वी कैन से दैट दिस सेंटर इज नोन एज आल्सो कायरल कार्बन। तो ये आपको क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ठीक है, इसकी जो चारों वैलेंसीज है वो चारों की चारों वैलेंसीज अलग अलग है। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई भी ऐसा सेंटर आपको दिखे जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उसकी चारों जो वैलेंसीज होती है वो चारों की चारों वैलेंसीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन कोई भी सेंटर फुलफिल करता है, इट मीन दिस सेंटर विल नोन एज कायरल सेंटर। ठीक है, ओके, तो हमने कायरल सेंटर को स्टडी कर लिया, अब हम बात करते हैं कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, आप जाकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स की दो कंडीशन होती है, क्या होती है, दो कंडीशन होती है। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल्स, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कायरलिटी, अपन लिख देते हैं इसमें वो, है ना, और हम लिखते हैं कायरलिटी। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरलिटी, तो कायरलिटी जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, क्या है ये, दिस इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, और आपको बताइए, सॉरी वर्ड, और आपको पता है कि सारे के सारे जितने भी साइंस के वो जितने भी नेम होते हैं वो ग्रीक में लिखे जाते हैं, तो कायरलिटी भी एक ग्रीक वर्ड है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है हैंडेडनेस। क्या होता है, हैंडेडनेस, यानी हाथ के समान। ठीक है, जो हमारा हाथ होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, इसके समान होता है ये, जिसको हम बोलते हैं हैंडेडनेस। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। और कायरल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो वो दोनों, तो वो दो इक्वल हाफ पार्ट्स के अंदर नहीं कटेंगे। सपोज ये मेरा हाथ है, सपोज ये मेरा हाथ ही है, ठीक है, तो सपोज करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ को अगर मैं किसी भी सेंटर के, सॉरी किसी भी एक्सिस के अलोंग काटता हूं, ठीक है, मैं इस एक्सिस के अलोंग काटूं, इस एक्सिस के अलोंग काटूं, किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर आप इस हाथ को काटोगे, ठीक है, तो आपको दो इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। सपोज करो मैं अगर यहां से कट करता हूं, तो देखो दो इक्वल पार्ट नहीं कटेंगे क्योंकि अंगूठा इस साइड आ जाए, उस साइड कुछ नहीं, और दूसरा ये दोनों जो फिंगर्स है ये अलग है और ये दोनों फिंगर्स अलग है। अगर आप इस एक्सिस के अलोंग काटोगे तब आपको क्या मिलेगा, दो डिफरेंट पार्ट्स मिलेंगे, इक्वल पार्ट नहीं मिलेंगे, ऊपर फिंगर्स रह जाएगी, नीचे पूरा का पूरा हथेली रह जाएगी। ठीक है, तो आप किसी भी एक्सिस के अलोंग, अगर आप इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, या फिर इस एक्सिस को कोई भी एक्सिस ले लो,
ये हाथ कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रैक्टिकल करना आप, ठीक है, एक नाइफ लेना और उस नाइफ को थोड़ा अच्छे से ना, जो छुरी होती है जो डाकू लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, आप लोग ऐसे काट के देखना। अगर इक्वली पार्ट कट जाए तब आप बता सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि एक दूसरे जब उसको काटते हैं तो वो इक्वल पार्ट में नहीं कटता है, ठीक है। तो कायरलिटी का मीन्स यही होता है। तो पहली कंडीशन होती है द मॉलिक्यूल विच आर नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, इक्वल हाफ पार्ट, ठीक है, आर नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। तो ये एक पहली कंडीशन होती है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटता है, इसका मतलब वो क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब वो इक्वल पार्ट में नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है ये, इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिमेट्री नहीं है इसके पास में। तो दिस मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है, इफ एन एनी कंपाउंड ओनली वन कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, देन इट मस्ट बी अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं उसको पीओएस और सीओएस देख करके, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी मैं आपको जब हम एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे तब तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे अगर आपको इसका रीजन देगा, ओके। तो पहली कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि द टू रियल मॉलिक्यूल विच आर मिरर इमेजेस, विच आर लुक लाइक मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर नोन एज कायरल मॉलिक्यूल एंड दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, अब ये चीज है कि आपके पास में दो इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दो इक्वल क्या है, मॉलिक्यूल्स है। सपोज करो ये हमारे पास में दो इक्वल मॉलिक्यूल्स हैं, और इन दोनों इक्वल्स, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिखते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों, मेरे जो हैंड है इसके बीच में एक प्लेन मिरर को रखते हो, तब आपको जो मेरा राइट हैंड है उसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, मेरे राइट हैंड की तरफ, ठीक है। यानी ये बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या है, दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस अपने हाथ को इस हाथ के ऊपर रखता हूं, या जो मेरा लेफ्ट वाला हाथ है, जो लेफ्ट हैंड को मैं किस पर कैप करता हूं, राइट हैंड पर कैप करता हूं, तो वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि अगर आपके पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो, जिसको अगर हम उसके मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर रख दें, ठीक है, मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर रख दें, तो वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, या एक दूसरे मॉलिक्यूल पर रख दें तो आपको ऐसा लगता है वो एक दूसरे, जो दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, पर आपको ऐसा लगता है वो एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो अगर मैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पर कैप करता हूं, ठीक है, रखता हूं, तो क्या होगा, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल करेंगे, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसका ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है और इसका इधर आ रहा है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं अपने इस हाथ को घुमा करके ऐसा करूं और तब जाकर के मैं वापस इनको क्या करूं, एक दूसरे के ऊपर रखूं, फिर भी ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। इस कंडीशन को भी आप क्या नहीं बोलोगे, सुपर इम्पोजिबल कंडीशन ही बोलोगे। सुपर इम्पोजिबल कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल पर रखा जाए तो वो दोनों मॉलिक्यूल मर्ज हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वो एक ही मॉलिक्यूल है, जबकि वो रियल में वो दोनों एक दूसरे के क्या थे, दो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे। समझ में आया ना, ठीक।
तो ये चीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये होता है लैक्टिक एसिड, कार्बन, ये ऑक्सीजन ओ एस ग्रुप हो गया, और ये हाइड्रोजन ग्रुप, और ये यहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप। ठीक है, ये एक लैक्टिक एसिड है, और अगर इसका मैं अगर मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है, ये मिरर हमने रख दिया, और इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये सी एस थ्री, और ये यहाँ आ जाएगा आपका ओ एच ग्रुप, और ये आ जाएगा एच ग्रुप। ठीक है, तो बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब देखो ये लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है, ये भी लैक्टिक एसिड होता है, आप लोगों ने खाया होगा लैक्टिक एसिड क्या होता है ना, खाया ना, अभी तो आप लोग बहुत ज्यादा खा रहे हो, क्यों, क्योंकि लॉकडाउन है और घर पर बस सिर्फ और सिर्फ कहीं बाहर जाना होता नहीं है, सुबह उठो, नाश्ता करो, खाना खाया, फिर वापस से सो गए, ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी डेली रूटीन चलती है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अभी इस लॉकडाउन के अंदर क्या क्या नई एक्टिविटीज करते हो, ठीक है, आपने क्या क्या नई एक्टिविटी को सीखा है, या आपकी जो पुरानी एक्टिविटी थी वो उसको आपने वापस से यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसको वापस से आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि आप क्या क्या करते हो, ठीक है, आप कैसे अपने पूरे दिन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो जिससे आपका पूरा दिन सही से चले, ठीक है, आप उसको कमेंट जरूर करें, ओके, ताकि हमें पता चले कि आप क्या करते हो। देखो लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड, अब इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए, यानी दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डियर नोमेनक्लेचर आता है, इसको हम बोलते हैं डी लैक्टिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं एल लैक्टिक एसिड, ध्यान रखना ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल डी है, ठीक है, आप इसको स्मॉल ही लिखोगे, इसका रीजन होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो डी लैक्टिक एसिड होता है और एक एल लैक्टिक एसिड होता है, क्लियर, ठीक है, अब देखो ये डी और एल को आप थ्योरेटिकल नहीं बता सकते कि ये डी ही होगा और ये एल ही होगा, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट से आता है कि ये डी इलेक्ट्रिक एसिड होगा ये, और ये एल इलेक्ट्रिक एसिड होगा। ठीक है, अभी के लिए सपोज करो कि ये डी इलेक्ट्रिक एसिड है और ये एल इलेक्ट्रिक एसिड है, क्लियर, हो सकता है ये इलेक्ट्रिक एसिड हो और ये डी इलेक्ट्रिक एसिड हो, ठीक है, लेकिन अपन सपोज करते हैं ये डी है और ये एल, और इन दोनों को बोला जाता है ऐसे डीएल मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिक एसिड, ठीक है, हो सकता है ये डी हो या फिर एल हो, या हो सकता है ये भी एल हो या फिर डी हो, ठीक है, सपोज करते हैं ये डी और ये, एक दूसरे के क्या है मिरर इमेजेस है, ठीक है, तो हमने एक पॉइंट नोट किया है इन दोनों का कि एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज है, ठीक है, अब दूसरी चीज हमें नोटिस करनी है कि क्या वो सुपर इम्पोजिबल है, तो देखो अगर इस मॉलिक्यूल को आप उठा करके इस पर रखोगे, ये हमने उठाया और इधर लेके गए और वापस से यहां पर रख दिया, ठीक है, उठाया और वापस से रख दिया, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये ग्रुप जो होगा इसमें इधर है, तो अगर हम इसको उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी सुपर इम्पोज नहीं करेगा, यानी बोथ आर क्या, एक दूसरे क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, अब कुछ महान आत्माएं ये क्या करेगी, इसको इस मॉलिक्यूल को घुमा देगी, ठीक है, कुछ महान आत्माएं ये बोलेगी कि सर अपन इसको घर घुमा करके इसके ऊपर रखेंगे, देखो पहले हाइड्रोजन इस साइड था, जब हम इसको घुमाएंगे तो हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, तो अगर हम ये हाइड्रोजन इस साइड आ गया, इसको घुमा करके अब यहाँ पे रख देंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स प्लेनर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स नहीं है, जितने भी कंपाउंड्स हैं, सॉरी जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, इन दोनों का प्लेन अलग है और इन दोनों का प्लेन अलग है, अगर आप इसको देखो इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें वो होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, आप लोगों ने मिथेन की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, दस ये है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चार वैलेंसीज है और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहे होते हैं, और ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वर्टिकली लाए करते हैं, ठीक है, जो कि वर्टिकल एक्सिस के अंदर है, और वो मॉलिक्यूल्स जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, जो हॉरिजॉन्टली है वो आपकी तरफ आएंगे, जो वर्टिकली है वो आपसे दूर जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा सीनेरियो होता है, तो अगर आप इसको घुमा घुमा कर भी रखोगे फिर भी ये दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता तब हम इसको घुमा करके अगर इस पर रखते, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता तो उसको घुमा करके इसके ऊपर रखते, तब हम ये बोल सकते थे कि ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोज कर रहे हैं, बट ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस,
क्लियर है? इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, और ये इस प्रकार से बाहर की तरफ आ रखे हैं, ये आपका हो गया हाइड्रोजन ग्रुप, ये आपका हो गया ऑक्सीजन ग्रुप, सॉरी ओएच ग्रुप, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला ग्रुप है वो बोर्ड के बैकवर्ड साइड है, ठीक है। ये COH ग्रुप और CH3 ग्रुप क्या है, बोर्ड के पीछे है, जबकि ये OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो आगे की साइड है, ठीक है। ये दोनों आगे की तरफ है, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो दोनों ग्रुप्स हैं, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये जो दोनों हैं वो बैकवर्ड जा रहे हैं। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, और ये आपका हो गया CH3, ठीक है। और आपको पता है ये जो एंगल मेंटेन होता है वो कितना होता है, ये एंगल मेंटेन होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल मेंटेन होता है। और जो डिस्टेंस होती है हाइड्रोजन और सीओएच के बीच में, या फिर हाइड्रोजन या फिर ओएच के बीच में, ये सारी की सारी डिस्टेंस जो होती है वो इक्वली होती है, और ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच का वो कितना होता है, 109 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाऊं, तो देखो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स ध्यान से देखो, ये आपका हो गया हाइड्रोजन और ये आपका हो गया ओएच ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और ये ओएच ग्रुप, ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये आपकी तरफ है, जबकि ये दो ग्रुप्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे, ये दोनों ग्रुप्स कैसे होंगे, इस प्रकार से होंगे, जो कि इस प्लेन के, ये प्लेन मान लो आप लोग, इस प्लेन के बैकवर्ड साइड है, ठीक है, जबकि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये प्लेन के क्या है, आगे की साइड में, फ्रंट साइड में, जबकि ये रियर साइड में। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आप इसको नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे की स्टडी करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा तो पॉज करके जल्दी से जल्दी लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, इतनी रामायण करने के बाद भी। तो मेरे इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की, ठीक है, कि जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, एक और चीज आप लोग नोट करके लिखोगे, नोट करके क्या लिखोगे कि कायरल सेंटर जो होता है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होती है किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने की और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की, क्लियर। बट जो कायरलिटी होती है, यानी कायरल मॉलिक्यूल होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है तो ये नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी की। क्यों है? क्योंकि देखो अगर कोई कायरल मॉलिक्यूल होगा, तो कायरल मॉलिक्यूल होगा इसका मतलब उसमें सिमेट्री नहीं होगी, तो सिमेट्री नहीं होगी वो कौन सा होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। तो हमने यही पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या नहीं चाहिए, सिमेट्री नहीं चाहिए, वो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल के पास, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्लियर है। तो जो कायरलिटी होती है वो नेसेसरी कंडीशन होती है किसके लिए, ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के लिए, क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास या फिर किसी भी कंपाउंड के पास में एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ केवल एकमात्र कायरल सेंटर है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा के लिए। उसका रीजन कौन देगा आपको, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देगी। देखो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास में कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, जितने भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज होती है, चाहे वो पीओएस होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहे वो सीओएस होती है, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, चाहे वो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, कितनी भी सिमेट्रीज होती है, ठीक है, टोटल 23 सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और वो 23 की 3 जो है सिमेट्री अगर वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नहीं है, तो उसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सॉरी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, क्लियर। तो देखो द मॉलिक्यूल, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, द मॉलिक्यूल विच हैव नॉट एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आर नोन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, क्लियर। यानी जितनी भी 23 की 23 सिमेट्री होती है, वो उसमें से एक भी नहीं होती है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब अब देखो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में सिर्फ एक कायरल सेंटर है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में एक कायरल सेंटर है, जैसे सपोज करो हमारे पास में ऐसा CH3C, और यहाँ पे आपको लगा हुआ है OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपका लगा हुआ है H ग्रुप, और यहाँ आपका लगा हुआ है C2H5, ठीक
आपको ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरा सेंटर है, ठीक है, ये एक कायरा सेंटर है, क्लियर है। तो देखो, जब अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरा सेंटर होता है, इसका मतलब उसने उसकी जो उस मॉलिक्यूल की सिमेट्री क्या है, उस मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, ए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल के पास में कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास में सिर्फ एक कायरा सेंटर है, ठीक है। तो एक कायरा सेंटर की कंडीशन क्या होती है, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, तो चारों ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अब इसके पास में कोई भी सिमेट्री नहीं बची, यानी जब भी किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होता है तो वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो वो कंपाउंड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या फिर एसिमेट्रिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके पास में कोई भी सिमेट्री नहीं रहेगी, तो सिमेट्री नहीं रहेगी तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ड्यू टू एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मैंने आपको बात बताई थी उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही होता है कि अगर एक कायरल सेंटर होगा तो कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, सिमेट्री नहीं होगी तो वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कायरल वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीजन होता है। अब देखो, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए हमेशा हर एक मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं होते हुए भी ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर POS और COS अब्सेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर POS अब्सेंट है और COS अब्सेंट है, POS का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, COS का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी दोनों अब्सेंट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। और ये एक सफिशियंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर करने के लिए, ठीक है। अगर ये दोनों अब्सेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर ये दोनों प्रेजेंट है या फिर दोनों में से कोई एक भी अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट है इन दोनों में से तो वो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है ऑप्टिकली एक्टिविटी और ऑप्टिकली इनएक्टिविटी को चेक करने का, क्लियर है। चलो, तो ये हमारे पास में होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। और हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में, कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को पता कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल में होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, ठीक है, वो सब हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर एक ही चीज हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर आ गया है तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप लॉकडाउन में क्या करते हो, उसका भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अब फिक्स टाइम रहेगा हर एक लेक्चर का, वो आपका आएगा 12 बजे, ठीक है। 12 बजे आपको 12th क्लास का लेक्चर मिलेगा, फिक्स और फिक्स, ठीक है। अल्टरनेट ऑर्डर में मिलेगा, एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है, एक दिन आपके 11th मिलेगी, अब एक दिन आपको 12th मिलेगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।